हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, तो एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग शाम को, जैसा कि मैंने अनअकैडमी पर भी कहा था कि हम लोग शाम को एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जो कि काला पानी पे। हम लोग ने कहा था कि जो काला पानी का जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसको हम लोगों ने कहा था डिस्कस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इश्यूज अराउंड काला पानी के बीच कौन कौन से इश्यू हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों काला पानी का अगर आप नाम सुनो तो काला पानी बेसिकली एक क्या है, एक काला पानी जो हमारा है वो बेसिकली क्या है, एक वो टेरिटरी है दोस्तों। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि काला पानी को लेकर के, फिर इसके साथ साथ जो इंडिया और उसके साथ साथ जो नेपाल के रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे काला पानी डिस्प्यूट को दोस्तों। ठीक है, तो पहले पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि काला पानी न्यूज़ में क्यों आया दोस्तों। ठीक है, तो काला पानी दोस्तों ये आप मैप में यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, 1 सेकंड गाइस। ये ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़, ठीक है, ये जो बाउंड्री, ये जो चीज़ है, ये हमारा काला पानी का है दोस्तों। ठीक है, कि किसका है, काला पानी का है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो हमारा काला पानी का है। सब समझ गए, ये इंडिया और नेपाल के बीच के एक डिस्प्यूटेड एरिया है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो आगे यहाँ क्या करना है, 1 सेकेंड, यहाँ। ठीक है, ठीक है, सो आगे हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों जो कोर्स है, जो ये टॉपिक है, मेरे द्वारा अर्थात के सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, अगर आपको यूजफुल लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों टॉपिक पे, बात करते हैं अपने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ क्या था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सो डिप्लोमेट से एक स्टॉक्स ऑन काला पानी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर बात क्या हुई, जैसे कि अभी आपने, आपको पता होगा कि इंडिया ने अपना जो नया मैप जारी किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद दोस्तों। ठीक है, तो उसमें नेपाल का ये कंसर्न था कि जो काला पानी का जो एरिया है वो इंडिया ने अपने मैप में शो किया है, उत्तराखंड का एक पार्ट दोस्तों। ठीक है, तो वही इश्यूज यहाँ पे चला दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज तो ये हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि हमें नेपाल के साथ मतलब कोई भी ऐसी विवाद नहीं है, ये सब चीजें मतलब की गई दोस्तों। ठीक है, सो काला पानी को बेसिकली अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि काला पानी के बारे में थोड़ा सा उसके बेसिक उसके उसके बेसिक चीजों को और उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये सब आप लोग न्यूज़ पढ़ सकते हो दोस्तों, ये सब मैंने न्यूज़ से लिया था दोस्तों। ठीक है, ये सब मैंने न्यूज़ से लिया था। सो ये आप मैप में भी देख सकते हो, ये जो हमारा इलाका है दोस्तों वो है काला पानी का दोस्तों। ठीक है, वो किसका है, काला पानी का है। ठीक है, सो ये रहा हमारा दोस्तों नेपाल, और ये हमारा यहाँ पर ये बात जो है वो इंडिया का है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर जान सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो काला पानी टेरिटरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर काला पानी जो है वो एक वैली है दोस्तों। ठीक है, सो काला पानी इज ए वैली डैट इज एडमिनिस्टर्ड बाई इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों पहली चीज तो आपको ये जानना है कि जो काला पानी है, काला पानी ये इज ये एक ये वैली है दोस्तों। ठीक है, तो काला पानी इज ये वैली डेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय दी इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड का एक पार्ट है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ का ये पार्ट है काला पानी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है,
दी काली रिवर के बारे में दोस्तों, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों काली रिवर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। सो काली रिवर इज दी काली रिवर इज इन दी काला पानी रीजन, ठीक है। तो जो काली इसका नाम काला पानी क्यों है दोस्तों, आप ऐसे सोचिए कि इसका नाम काला पानी क्यों। वन सेकंड गाइस। सो हाँ ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सो अब यहाँ पर बात करेंगे कि काला पानी इसका नाम क्यों, क्योंकि यहाँ पर काली रिवर लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है। क्या लोकेटेड है? काली रिवर लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है। सो द काली रिवर इन द काला पानी रीजन दोस्तों, एंड दी बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल दोस्तों, ठीक है। तो ये एक प्रकार के डिमरकेट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के आप कह सकते हो कि बीच में है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर मैप में भी शो किया था, यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं येलो कलर का, वो यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दो चीज़ आपको पता होगी काली रिवर के बारे में, और ये उत्तराखंड का पार्ट है। एंड दी टेरेटरी ऑफ सगोली साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया दोस्तों। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये एक ट्रीटी साइन थी सगोली साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश ऑफ इंडिया के बीच में दोस्तों, ठीक है। जब आफ्टर द एंग्लो नेप यहाँ पर दोस्तों इस एंग्लो नेपालीज वार के बाद में दोस्तों, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी। ये आपको ट्रीटी का नाम याद रखना है, ठीक है, सगोली ट्रीटी दोस्तों, ठीक है। इन 1816 दोस्तों, 1861 में ये साइन हुआ था। लोकेटेड द काली रिवर एज ए नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया, सो लोकेटेड द काली रिवर एज द नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया दोस्तों। सो मैं हाईलाइटर ले ले रहा हूं, ठीक है। सो ये यहां पर, ठीक है, 1861 में दोस्तों, ठीक है। सो वन सेकेंड, सो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों फिर बाउंड्री विद द इंडिया एंड दी, ठीक है। तो ये तो साइन हो गया, ठीक है, नेपाल के बीच में और ब्रिटिश ऑफ इंडिया के बीच में, किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों आगे, ठीक है। सो अब आगे इस पे क्या क्लेम हो रहा है दोस्तों, तो जो नेपाल का जो क्लेम है इस पे दोस्तों, वो क्या कहता है, ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में यहाँ जो क्लेम है दोस्तों वो, वन सेकेंड, या ठीक है। सो दी डिस्क्रेपेंसी इज इन लोकेटिंग दी सोर्स ऑफ द रिवर लेड टू बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विथ ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग मैप सपोर्टिंग देयर ओन क्लेम। तो दोस्तों दोनों जो देश है नेपाल और इंडिया, वो अपने मैप में इसको शो करने का, मतलब कि ये अपने 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 कंट्री का इसे दावा करते हैं कि हाँ ये हमारे मैप में लोकेटेड है, यानी ये हमारे देश में लोकेटेड है काला पानी। इंडिया अपनी तरफ से कहता है, नेपाल अपने जो उसके जो प्रूफ है वो अपना देता है, ठीक है। सो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो रिसेंट जो मैप यूज किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर्म द पार्ट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वाइल्ड गिलगित बल्टिस्तान इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों, किसके बारे में, ये बात हो गई पाकिस्तान के बारे में दोस्तों, ठीक है। जो भी रिसेंटली जो कि भी मैंने आपसे बातें की थी कि जो मैप इशू किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पे कुछ एरिया और थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सुस्ता एरिया इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सुस्ता, ठीक है, सुस्ता भी इसको आप सस्ता भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। सुस्ता एरिया इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सुस्ता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल दोस्तों। तो मेन पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्या दोस्तों, कि ये एक और पार्ट है जो कि है सुस्ता पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रिवर का नाम याद रखना है दोस्तों, जो कि बैंक ऑफ गंडक रिवर पर लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है। और गंडक रिवर को नेपाल में दोस्तों नारायणी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, सो आगे
या ठीक है, वंस अगेन गाइस। सो ठीक है, फिर आगे यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, सो यहाँ पर ये अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि केवल इंडिया केवल जो काला पानी डिस्प्यूट है वो केवल है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिला, सुस्टा एरिया। ठीक है, एंड दोस्तों ये क्या है कि दी दी एरिया इज ए वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ दी एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाई दी रिवर। दोस्तों तो ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू इंडिया, अब दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडिया द हिस्टोरिक कालापानी रीजन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि कालापानी एरिया जो वो किसका है, तो आपको बताना होगा कि वो केवल और केवल इंडिया का है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई इफ या बट या किंतु या परंतु आपको नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या समझे, आप समझे काला पानी के बारे में दोस्तों। ठीक है, काला पानी के बारे में बताया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सुस्टा रिवर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कि ये गंडक रिवर पर है जिसको हम लोग वहाँ पर नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़े अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि काली रिवर के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा अगर ये न्यूज़ में है तो काली रिवर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ये आपके प्रीकम मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों काली रिवर को हम लोग, इट इज आल्सो नोन एज ये शारदा रिवर और काली गंगा इन उत्तराखंड दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड में काली रिवर को शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और काली गंगा के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर दोस्तों कि इट ज्वाइंस घाघरा रिवर इन उत्तर प्रदेश विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये उत्तर प्रदेश में घाघरा को ज्वाइन करती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। रिवर प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पर लोकेटेड है कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ यहाँ पर ये चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और शारदा बैरेज भी है यहाँ पर। ठीक है, शारदा बैरेज भी है यहाँ पर, शारदा बैराज भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजें दोस्तों। ठीक है, तो ये था काली रिवर के बारे में दोस्तों। ये जरूर याद है कि काली रिवर, इसको उत्तराखंड में हम लोग क्या कहते हैं, काली गंगा या शारदा कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में घाघरा को ज्वाइन करती है, इसके बाद यहाँ पर टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चमेलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर शारदा बैराज भी यहीं पर है दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ छोटा सा जो टॉपिक था काला पानी टेरिटरी के बारे में दोस्तों, तो ये अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, तो नेपाल इसे अपना बताता है और इंडिया इसे अपना बताता है। ठीक है, और ये कुछ रीजन है जो कि यहाँ पर काला पानी आप यहाँ पर देख सकते होगे, मैं अपने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा काला पानी है। ठीक है, काला पानी हमारा यहाँ पर है ये। ठीक है, ये हमारा काला पानी है दोस्तों। ठीक है, और ये चीज हमारा नेपाल है, ये इंडिया है, और इन दोनों बॉर्डर के बीच में यहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक जैसा कि मैंने आपको अनअकैडमी पर बताया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर जाइए, वहाँ मैं डेली बेसिस पे, वहाँ पर मैं द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स चल रहा है बिल्कुल फ्री, आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सत्यम श्रीवास्तव सर्च करोगे, आपको मेरी डीपी मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और दोस्तों इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने जो कि नाम UPSC बिनर, ठीक है, इस वीडियो के आपको आपके नीचे वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आपको वहाँ पर PDF इसकी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक कुछ मैं कंटिन्यू टॉपिक लूंगा दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगे प्री कम मेंस के लिए, ठीक है, एनुअल एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको ये कोर्स लेसन अच्छा लग रहा है तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ विभिन्न सोशल मीडिया पर, और लाइक जरूर करें, कमेंट करें, आप मुझे बताइए। ठीक है।